मोदी कैबिनेट में फेरबदल की खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अर्जुन राम को किरण रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। वहीं मोदी सरकार ने अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी निभा चुके किरण रिजिजू को अर्थ एवं साइंस मंत्रालय का काम देखेंगे। किरण रिजिजू को पहले खेल मंत्री उसके बाद कानून मंत्री बनाया गया था। उनको रविशंकर प्रसाद की जगह यह जिम्मेदारी दी गई थी। बीते कुछ समय में सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। फरवरी में उन्होंने साफ कर दिया था कि सरकार बनाम न्यायपालिका नहीं चल रहा है। किरण रिजिजू मौजूदा और रिटायर्ड जजों को लेकर की गई टिप्पणियों से सुर्खियों में बने रहे हैं। उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई भी उन्हें चेतावनी नहीं दे सकता, देश में सभी लोग संविधान के साथ काम करते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 15 मई को याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें वकील संगठन ने कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कार्यवाही की मांग की थी।